वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साध संगत, आज इतनी तादाद में यहाँ हम सभी इकट्ठा हुए हैं, उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने उद्देश्य को सर्वोपरि माना। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम केवल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने किस मकसद के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एक हमारे लिए ऊपर भगवान होता है, वाहेगुरु होता है, और दूसरे होते हैं इन जैसी महान आत्माएं जो हमें भगवान के लिए, वाहेगुरु के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर लेकर जाते हैं। ये एक ऐसे महान आत्मा थे जिन्होंने अपनी मीठी वाणी के द्वारा न जाने कितने असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया। मुझे दूर दूर से, विदेशों से भी फोन आए, अमेरिका से फोन आए, उन्होंने मुझे बताया कि जब संत साहब अमेरिका में भी जाते थे, वहां के लोग उनसे कितने प्रभावित होते थे। निजी रूप से लोगों को दुख हुआ है और सभी लोगों को दुख हुआ है जिसने सुना कि ऐसी महान आत्मा जिससे लोगों का दुख देखा नहीं गया। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बात की कि जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, किसी पार्टी को नहीं देख रहा है, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, किसान है, मजदूर है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से कह सकते हैं, मैं कह सकती हूं कि हमारा राजनीतिक संघर्ष है, आप लोगों का एक अलग किसानों का आंदोलन है, और लोग, कई लोग जो सत्ता में हैं, वो गुमराह करते हैं दुनिया को और कहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे राजनीति है या राजनीतिक दल है या कांग्रेस पार्टी। ये हमारे किसानों की, हमारे मजदूरों की तौहीन है। जो हमारा संघर्ष है, हमारे नेता राहुल जी कल भी माननीय राष्ट्रपति जी से मिले, 2 करोड़ के करीब लोगों के हस्ताक्षर इन 3 काले कानूनों के खिलाफ उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपे। साथियों, हमारा संघर्ष रहा कांग्रेस पार्टी का, राजनीतिक सड़क पर भी, संसद में भी किसी की आवाज सुनी नहीं गई। ये लोकतंत्र है, हर एक की आवाज सुननी पड़ती, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे कोई वो राजनीतिक दल है या राजनीतिक नेता है। लेकिन यहां पर इस तरह का अहंकार है कि कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है। साथियों, अहंकार का हमेशा अंत होता है। आज अगर किसान, मजदूर, हमारी बहनें, महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, अंधेरी रातों में, ठंड में,
तो साथियों, उनका दुख देखकर हमारे इस महान आत्मा ने, बाबा राम सिंह जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मानवता के लिए कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। मैं अपने श्रद्धा सुमन फिर से अर्पित करती हूं इस महान आत्मा को, और सारे साध संगत से आह्वान करती हूं कि उन्होंने जिस मकसद के लिए लड़ाई लड़ी, अंत में वो मानवता की लड़ाई थी, मानवता की लड़ाई थी, सच्चाई की लड़ाई थी। सभी को सच्चाई की लड़ाई, सच्चाई का संघर्ष करते रहना चाहिए। जब जब इस तरह की बात होती है, हम सबको खड़े होना चाहिए। मैं एक बार फिर उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। भगवान वाहेगुरु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।